नमस्कार दोस्तों, हम इस समय बस्ती में हैं। बस्ती में बहुजन मुक्ति पार्टी के विधानसभा क्षेत्र 308 विधानसभा क्षेत्र 308 के प्रत्याशी हृदय गौतम जी हैं, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। इस पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। तो सर, चुनाव बहुत नज़दीक है, आज आपका 27 मार्च है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जनता क्या आप करना चाहते हैं? पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया उसके लिए। सब मैं हृदय गौतम, विधानसभा प्रत्याशी कप्तानगंज 308 का एक लौता श्रीनिवास का भोजन मूल निवासी समाज का नेतृत्व करने वाला महापुरुषों और अपने जो नेतृत्व चल रहा था आंदोलन, उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और अपने बहुजन मूल निवासी समाज को ये हम संदेश देना चाहते हैं कि यदि अपने स्वाभिमान मान सम्मान की रक्षा आप करना चाहते हो, तो अपने लोगों को आगे बढ़ाना होगा। उसके अलावा कोई आपके पास विकल्प नहीं है। और आप लोगों से यही अपील करते हैं, जो भी आपके पास ताकत है, साधन संसाधन है, बुद्धि है, पैसा है, हुनर है, और सबसे बड़ा कीमती वोट है, वो अपने लोगों को दे करके और एक ताकत का निर्माण करिए, तभी हमारा स्वाभिमान, हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा हो सकती है। यही हम लोगों से अपील करना चाहते हैं। सर, सोचने और समझने वाली ये बात है कि अपने समाज के लोग बटे हुए हैं, अलग अलग दल बनाकर। बटने के सवाल पे सर जो आप कह रहे हैं, हमारे लोगों के अंदर जागृति नहीं है। जो एजुकेशनल उनको मिला हुआ है, वो लिखे पढ़े लोग हैं, और लिखे पढ़े जो लोग हैं वो आधे गधे के समान हैं, क्योंकि उनके अंदर जागृति नहीं है। वो लालच बस एक दूसरे के केवल पिछलग्गु बन करके काम करना चाहते हैं, अपने स्वाभिमान मान सम्मान के लिए काम करना चाहते हैं। इसके अलावा क्या अपील करना चाहते हैं? कप्तानगंज क्षेत्र की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जो भी आपके यहां दरवाजे पे वोट मांगने आए, उससे आप कहिए जो आप वादा करते हो वो आप एक स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे दो हमको कि हम ये वादा कर रहे हैं। ये 10 रुपये 100 रुपये का स्टाम्प है, और हम एक व्यवस्था में आते हैं, सत्ता में आते हैं, और जीत करके आप यहाँ जाते हो तो ये काम करेंगे। क्योंकि इस देश के लोग केवल झूठा वादा करते हैं, जनता का केवल कान खुश करने के लिए काम करते हैं, और जीतने के बाद में क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते हैं। यदि वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते तो जनता उनको कोर्ट में घसीट करके लेके जाती और कहती आपने ये लिख करके दिया है, आपको पूरा। पहला मेरा अपील यही है कि जो भी आप लोगों के दरवाजे पे आवे, उससे आप यही कहिए कि आप जो भी वादा कर रहे हो उसको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके दीजिए, ताकि हम आपको जीतने के बाद में भी आपसे हम बातचीत कर सकें। चलिए, अच्छा आपने हमारी चैनल में किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।